हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो बहनें केक बनाने से डरती हैं, वे बिल्कुल भी ना डरें और इसे देखें। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं हमारा केक कितना स्पॉन्गी बना है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कुकर की सीटी और कुकर की लीड को निकालकर हम साइड में रख देंगे। गैस पर एक कुकर को प्री हीट होने के लिए रख देंगे और तब तक सभी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। हमारा मोल्ड 5 इंच का है तो हम इसे ग्रीस कर लेते हैं और इसके अंदर बटर पेपर लगा देते हैं। बटर पेपर के ऊपर भी हम ऑयल को ग्रीस कर देंगे। इससे हमारा केक आसानी से बाहर निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बाउल को लेते हैं और मेजरिंग कप से हम 60 ml ऑयल लेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप घर की चम्मच से 10 चम्मच ऑयल डालिए। अब हम मेजरिंग कप से 80 ग्राम पिसी हुई चीनी डालेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर की ही उसी चम्मच से 10 चम्मच चीनी डालें। अब हम इसे विस्कर की मदद से 5 मिनट तक अच्छी तरह फेटेंगे। अब हम 60 ml दूध डालेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप सेम चम्मच से 10 चम्मच दूध डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, 200 ग्राम मेजरिंग से हम इसमें मैदा डालेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो फ्रेंड्स, आप 12 चम्मच या 10 चम्मच मैदा डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 स्पून बेकिंग पाउडर। अब इसमें हम डालने वाले हैं बेकिंग सोडा, जो कि हम आधा चम्मच का आधा डालेंगे। हमारा बेकिंग पाउडर 1 TSP रहेगा और बेकिंग सोडा 1/4 TSP। तो
तो फ्रेंड्स अब हम इसे स्पैटुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स हमें सेम कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्रेंड्स मैंने इसमें 50 ml स्ट्रॉबेरी पल्प डाले हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा बैटर तैयार है तो हम इसे अपने ग्रीज किए हुए मोल्ड में डालते हैं। फ्रेंड्स अब हम अपने मोल्ड को प्री हीट कुकर में रखेंगे। इसके लिए हम एक स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर अपने मोल्ड को रखेंगे। फ्रेंड्स हम अपने केक को कुकर में 30 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। हमारा गैस का फ्लेम एकदम लो फ्लेम होगा। फ्रेंड्स हमारे 30 मिनट हो गए हैं तो अब हम केक को चेक करते हैं। इसके लिए हम एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक को केक में डालकर चेक करेंगे। हमारी टूथपिक एकदम क्लीन आई है, इसका मतलब हमारा केक तैयार है। फ्रेंड्स अब हम केक को मोल्ड से निकालकर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स हमारा केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो हम इसके ऊपर के बटर पेपर को निकाल देते हैं। फ्रेंड्स अब मैं इस केक को आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे केक के स्लाइस को कितना स्पॉन्जी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बिना किसी झंझट के घर के ही चम्मच से आराम से हम इस केक को बना सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।